एवरीवन, दिस इज अशोका एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कॉल फोटो फैक्ट्री। दोस्तों, आज है दिवाली, 27 अक्टूबर 2019। तो आज इस मौके पर, इस दिवाली के अवसर पर आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड माय वीडियो वॉचर्स, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं अब तक, जहाँ तक अब वीडियो मेरी पहुँच रही है, मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि दिवाली का प्रिपरेशन जोरों शोरों से की थी और निडर बेहिज्जक आप लोग दिवाली मनाइए। मैं आज दिवाली के इस उपलक्ष्य में कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और बहुत ही कॉमन बातें हर हिंदू को, हर छोटे छोटे बच्चों को, जो भी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं उनको पता है कि दिवाली क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए मनाया जाता है। फिर भी मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दिवाली एक हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार, हिंदू के साथ साथ और भी रिलीजन हैं जो मनाते हैं, जैसे कि सिखिज्म, सिख लोग, जैन लोग, बुद्धिज्म लोग, बुद्धिस्ट लोग दिवाली मनाते हैं। दिवाली को दीपावली के नाम से जाने जाते हैं। कई जगह इस दिवाली को बंगाल में स्पेशली काली पूजा के नाम से जानते हैं। दिवाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, सिर्फ भारत देश में ही नहीं, इस संसार के अलग अलग देशों में दिवाली को मनाया जाता है। इस दिवाली को मनाने के लिए महीनों पहले से घर, मोहल्ला, अगल बगल, सड़क को साफ किया जाता है। साफ सफाई का विशेष ध्यानपूर्वक सफाई किया जाता है, ताकि ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी माता, धन वाली माता, ये उनके घर में प्रवेश करती है, ये पूरे ब्रह्मांड भ्रमण करते रहती है। तो ये उन्हीं के घर में प्रवेश करती है जिसका घर साफ सुथरा हो। इसीलिए दिवाली से पहले लोग साफ सफाई करते हैं और दिवाली की तैयारी करते हैं, और इस तरीके से दिवाली का प्रिपरेशन करके दिवाली मनाने के लिए तैयार रहते हैं। अब चलिए धनतेरस। धनतेरस क्या है? तो धनतेरस का मतलब, धन का मतलब वेल्थ, हेल्थ, तेरस का मतलब तेरहवीं, 13th डे, यानी कि कार्तिक महीना जो है, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास या बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीना का 13वां दिन, अब महीना का 13वां दिन को धनतेरस, यानी धन्वंतरी, जो एक देवता है, एक धन्वंतरी देवता, वो भी ये समुद्र मंथन से पैदा हुई थी, और जहाँ पर लक्ष्मी जी पैदा हुई थी वहीं पर इनका भी जन्म हुआ था, और वहाँ से इनका जन्म हुआ था, और वो गॉडेस ऑफ हीलिंग एंड हेल्थ, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, और शरीर में कुछ हो जाता है तो उसका हीलिंग वाली वो देवता है, उनको आयुर्वेद में माना जाता है। धनतेरस के ही दिन आयुर्वेद से जुड़े लोगों ने उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। दिवाली मनाने का कई सारा रीज़न है, हमारे ग्रंथों में पाया जाता है। तो सबसे जो कॉमन रीज़न है वो है राम, जो भगवान हैं राम, वो 14 वर्ष के बाद, वनवास ख़त्म करने के बाद, वो जब अपने लोगों के पास आए अयोध्या में, अयोध्या उनका घर हुआ, और वो चित्रकूट गए थे वनवास में, वहाँ से वापस आने के बाद, वो जब वापस आए तो अयोध्या के लोग उनके स्वागत में रोड में, सड़कों पर, घरों पर साफ सफाई करके और लाइट लगा करके, दिया जला करके उनके आगमन का स्वागत किया गया। उसी दिन से हम लोग अब तक दिवाली मना रहे हैं। तो जिस समय राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी, ये चारों लोग, चारों जो हैं अयोध्या चित्रकूट से आए, वनवास से आए अयोध्या में, तब राम जी देखें कि जितने भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इनमें कोई भी बच्चे नहीं है, 14 साल के कोई भी, 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चे इस पे नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि ये चीज़ को देख करके आश्चर्यजनक व्यक्त किए कि ऐसा क्या बात है कि कोई भी छोटे बच्चे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने बोले कि, उन्होंने पता लगाया कि ऐसा बात मैटर क्या है। तो उन्होंने राम जी को जब ये बात बताया कि भगवान जी या भैया जी, बात ऐसा है कि जब हम लोग वनवास में थे तो यहाँ पर गम था, शोकाकुल थे लोग, कोई हर्षोल्लास नहीं मनाया जा रहा था।
तो इस तरीके से जब हर्षोल्लास नहीं मना रहे थे तो यहाँ पर कोई भी दाम्पत्य जीवन में संबंध नहीं बन रहे थे। संबंध नहीं बनने के वजह से कोई भी बच्चे जो है पैदा नहीं हुआ। इसी वजह से हमको यहाँ पर कोई भी छोटे बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो भी हैं वो बड़े लोग हैं और हमारी स्वागत कर रहे हैं। दीपावली का मतलब दीपों का श्रृंखला, इसी को बोलते हैं दीपावली। इस वर्ष 2019 में अयोध्या के अंदर में आप देखेंगे, मैं इस वीडियो के फुटेज वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बड़ा ही हर्षोल्लास और बड़ा ही जगमग करता हुआ रोशनी से पूरा अयोध्या नज़र आ रहा है। नदी के किनारे हमारे योगी जी जो है कार्यक्रम किए, कवि सम्मेलन हुआ, बहुत ही रंगमंच कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर फौजी लोग भी गए, फौजी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके दिवाली का आनंद लिए, सेलिब्रेट किए और बहुत ही अच्छे तरीके से 2019 का जो है दिवाली मनाया गया और मनाया जा रहा है। पर आजकल का युग में ये हो गया है कि पोल्यूशन हो रहा है। तो पोल्यूशन सिर्फ एक दिन नहीं होती, हम अगर एक दिन फटाका नहीं बजाएंगे, नहीं जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा क्या? मैं मानता हूँ पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। मैं एनवायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट हूँ, पोल्यूशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या हम अपने रीति रिवाज को छोड़ दें? हम दिया ना जलाएं, हम फटाका ना जलाएं, लाउड क्रैकर्स नहीं जलाना चाहिए, कुछ अच्छे क्रैकर्स आते हैं उनको जलाना चाहिए और धूमधाम से मनाइए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू ईयर के दिन, क्रिसमस के दिन पूरा दुनिया 150 कंट्रीज से भी ज़्यादा पूरा दुनिया जो है न्यू ईयर इंग्लिश कैलेंडर को मानता है और न्यू ईयर के दिन आतिशबाजी होती है। तो उस समय कोई भी ज्ञान नहीं देता, उस समय कोई भी भाषण नहीं देता कि आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए ऐसा वैसा। तो इसलिए इस बात से मैं थोड़ा सा खफा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली के समय ऐसा बोला जाता है। तो दोस्तों, दिवाली मनाने का दूसरा एक रीज़न बता रहा हूँ, ये जो है उतना कॉमन नहीं है और बहुत लोग नहीं जानते हैं। राम वापस आए उस रीज़न को बहुत लोग जानते हैं, पर एक रीज़न और बता रहा हूँ कि जो कृष्णा जी हैं ये विष्णु के अवतार। तो कृष्णा भगवान जब आए तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। आसाम पड़ता है उस जगह का, वो जगह उसका नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर वो जगह का नाम है। तो वहाँ पर एक राजा रहता था और वो राजा था एविल किंग, मतलब दुष्ट राजा। वो 16,000 लड़कियों को अपने कब्जे में कर रखा था। तो इस ये बात जब कृष्णा जी को पता चला तो कृष्णा जी ने उस एविल किंग को से उन 16,000 लड़कियों को युवतियों को छुड़ाया और उस राजा को मार दिया। तो ये जो अच्छाई बुराई से अच्छाई की ओर आए, तो इसलिए भी हम दीपावली मनाते हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में राम के वापस आने के लिए मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया में काली माता, जो दुर्गा माता की ही रूप है, काली माता को स्पेशली पूजा किया जाता है। शक्ति का रूप है और इनका मनाया जाता है। हमारे साउथ इंडिया में कृष्णा जी को, कृष्ण भगवान के को पूजा जाता है, उनको याद करते हैं और उनका स्मरण करते हैं इस दीपावली में। ये द्वापर युग में देखा गया एक नारकासुर करके राजा था। ये राजा जो है 16,000 युवतियों को अपने कब्जे में कर रखा था, उनको भगवान कृष्ण ने छुड़ाए जो विष्णु के अवतार में आए और उनको छुड़ाए, इसलिए दिवाली मनाया जाता है। एक और रीज़न बता रहा हूँ दोस्तों, ये रीज़न है, आप जानते हैं लक्ष्मी जी के बारे में, धन की देवी हैं, धन की वर्षा करती हैं। तो आज ही के दिन यानी दिवाली के दिन समुद्र में जो मंथन हुआ था देवताओं का और राक्षसों का, देवताओं का और राक्षसों का जब मंथन हुआ था तो वहाँ पर उस समुद्र मंथन से ये लक्ष्मी जी पैदा हुई। तो लक्ष्मी जी जब पैदा हुई तो वहाँ पर ये विष्णु जो भगवान हैं उनको देखी और पसंद की, चूज़ की और फिर शादी भी कर ली उसी रात। तो इसीलिए भी हम लक्ष्मी इस दीपावली को मनाते हैं। हाँ, तो दिवाली कैसे मनाते हैं? दिवाली के दिन हम लोग मिठाई बनाते हैं, दिया जलाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का दिया जलाया जाता है, मिट्टी का दिया जलाया जाता है। कुम्हार लोगों को इससे थोड़ा बिजनेस मिलता है, कुछ पैसा होता है, उनके घर में दिया जलती है। हम आर्मी, इंडियन आर्मी के
नाम पर या इंडियन आर्मी को रेस्पेक्ट करते हैं, इसे उनके लिए भी हम दिया जलाते हैं क्योंकि वो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिसके वजह से हम यहाँ पर घर में बैठ करके दिवाली और खुशियाँ मनाते हैं अपने परिवार के साथ। घर को सफाई करके घर के आगे में रंगोली बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, बधाइयाँ देते हैं, खुशी मनाते हैं। बच्चे सब नए कपड़े पहनते हैं, कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और इस तरीके से हम दिवाली को मनाते हैं। गांव में और भी बहुत तरीके हैं, हर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से दिवाली को मनाया जाता है, पर विशेषकर एक ही उद्देश्य रहता है कि अंधियारे से उजियाली की ओर जाना रहता है। तो यानी कि गम से खुशी की ओर जाना रहता है, यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी को अच्छे से दिवाली मनाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटा बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा इस तरीके का वीडियो आता रहेगा और मैं ग्रो कर पाऊँ। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।